हरियाणा के लगभग 18 कारागारों में बंद कैदियों को हरियाणा जेल विभाग द्वारा सुधार, पुनर्वास और समायोजन की तरफ ले जाने के लिए अग्रसर है, जिसके चलते बंदियों को हस्तकार बनाया जा रहा है, जिससे वो जेल से निकलकर एक नए जीवन की शुरुआत कर सके। तस्वीरों में दिखाई दे रही हस्तकलाकारी उन कैदियों की है जो किसी न किसी अपराध में हरियाणा की जेलों में बंद है और जेल से निकलकर अपने नए जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं। आपको बता दें, हरियाणा जेल विभाग उन कैदियों को सुधार कर उनके पुनर्वास हेतु पिछले कई वर्षों से उनके उत्थान में लगा हुआ है। सूरजकुंड मेले में हरियाणा जेल विभाग द्वारा लगाई गई स्टाल पर मौजूद डिप्टी सुप्रिटेंडेंट नवीन छिल्लर ने जानकारी देते हुए बताया कि हम पिछले 8 सालों से यहां स्टाल लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले वर्ष हमारा एक छोटा सा स्टाल था, लेकिन बढ़ते समय में लोगों के सहयोग से आज बड़ा हो गया है। उन्होंने बताया कि कैदियों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और अब की बार इस मेले से लगभग 40 से 50 लाख तक की इनकम हम जनरेट करेंगे। साथ ही उन्होंने कैदियों के लेकर लोगों को संदेश देते हुए कहा कि हमारा एक पल का क्रोध जहां हमें जेल तक पहुंच देता है, वहीं परिवार और समाज को भी दुख पहुंचता है। इसलिए क्रोध न करके अपने परिवार, समाज और अपने भविष्य का विचार करें। हाँ, मैं नवीन छिल्लर, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट फरीदाबाद जेल से। यहाँ पर हमने 37वें सूरजकुंड मेले में प्रिजन डिपार्टमेंट की तरफ से, हरियाणा प्रिजन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है स्टॉल लगाया गया है। इसमें जो है बंदियों द्वारा, जेल में बंद कैदी बंदियों द्वारा जो भी फर्नीचर का, आयरन का, जूट का या आयुर्वेदिक सामान जो तैयार किया जाता है, वो यहाँ पर हमने प्रदर्शन के लिए रखा है, वो सेल आउट कर रहे हैं। इसके होने वाले मुनाफे से जो भी आप 10% मार्जिन ले रहे हैं, वो बंदियों के ही वेलफेयर के लिए होगा, ताकि उनको आगे और भी जो है हम आगे जो क्लासेस प्रोवाइड करा सके, जिसको कारपेंटरी की जरूरत होगी कारपेंटरी की, जिसको म्यूजिक की जरूरत है म्यूजिक का, कंप्यूटर, पेंटिंग, जिस भी चीज की क्लास की जरूरत होगी, हम उसके हुनर को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए वो क्लास प्रोवाइड कराएंगे, उसी में ये पैसा लगाएंगे। कितने समय से आप पहले? हाँ, हम पिछले 8 साल से जो है प्रिजन डिपार्टमेंट इसमें भागीदार हो रहा है और लगातार हर वर्ष जो है इसमें प्रोत्साहन बढ़ता जा रहा है। पब्लिक की तरफ से हमें जो है अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। फिर उसी के देखते हुए पहले जो एक दुकान में स्टॉल लगता था, आज आप देख रहे हैं कि स्टॉल काफी लंबा हो चुका है। ये सब पब्लिक का और पब्लिक और बंदियों का प्यार है जो इतना कुछ हम कर पा रहे हैं। देखिए, हमारे हरियाणा में 20 जेल है, 20 जेलों में जो है 2 जेल ऐसी हैं अभी जो छोटे लेवल पे है, जिन पे फैक्ट्री अभी नहीं है। बाकी 18 जेल पे फैक्ट्रीज है, उसमें 18 जेलों में लगभग हम ये कह सकते हैं कि 26,000 जो है बंदी बंद है। उन सभी बंदियों का इसमें हाथ रहता है, जो सिखा सकता है वो सिखाता है और जो सीखना चाहता है वो सीखता है और वो ही इन सामान को तैयार करता है। इसमें जो है हरियाणा सरकार और प्रिजन डिपार्टमेंट के जो अपने डीजीपी हैं अखिल जी, मोहम्मद अखिल जी, उनका बड़ा ही योगदान है, जो इसको प्रोत्साहित करते रहते हैं और समय समय पर ऐसे ऐसे प्लान लेके आते हैं। वही मेले में आए दर्शकों ने हरियाणा जेल विभाग की तारीफ करते हुए कहा कि ये पुलिस विभाग का बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिससे कैदियों को एक नई दिशा मिलेगी और वो अपने जीवन का महत्व समझेंगे और आने वाले समय में वो फिर से समाज में जुड़ पाएंगे। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि पहला भी सूरजकुंड का मेला मैंने देखा था 87 में, चौधरी के देवीलाल जी ने लगाया था। राज 37 में भी मैं मेला देखने के लिए आया हूँ और कल भी आया था जब राष्ट्रपति मैडम आई थी, और आज यहाँ पर आकर ये देखो हरियाणा जेल डिपार्टमेंट जो है, पुलिस विभाग ने ये जो लगाया है, हर साल मैं यहाँ से कुछ सामान लेके जाता हूँ। मुझे मालूम है कि इस जेल में जो भी कैदी होते हैं ना, किन्हीं ने किन्हीं कारणवश, चाहे उन्होंने जानबूझ के गलती की या नहीं जानबूझ के गलती की, वो कुछ कैद काटते हैं और कैद के दौरान उनसे कुछ ना कुछ काम करवाया जाता है। तो वो जो उन्होंने काम की चीजें यहाँ ली हैं, हम कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ चीजें अपने घर के लिए लेके जाएं। हरियाणा पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, आई अप्रिशिएट हरियाणा पुलिस कि वो आगे भी ऐसा काम करती रहे। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं खड़ा हूँ
जो कैदी होते हैं, कैदी बनते क्यों हैं, उस कैदी को सुधारा कैसे जा सकता है। कहते हैं संत महापुरुष, कहते हैं क्रोध को हटाओ, पंच तत्व होते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसमें सबसे दुष्ट है क्रोध, जिसको कहते हैं गुस्सा। गुस्सा एक चंडाल का रूप होता है, उस गुस्से के कारण आज देश में क्या विदेशों में भी जेलें भरी पड़ी हैं, उनके रहने की व्यवस्था भी नहीं है। लेकिन हमारी भारत सरकार ने, हमारी हरियाणा सरकार ने, जो वहाँ से अपराधी बन के बाहर से अंदर आता है उसको योग्य नागरिक बना के भेजा जाए, उसको ऐसा हाथ का हुनर दिया जाए कि उसको कैदी के नाम से कहीं काम नहीं मिलेगा। आम पिक्चरों में कहा ये जेल काट चुका है इसको मत रखो, ये सजा काट चुका है इसको मत रखो, वो एक समाज के लिए कलंक का कीड़ा लोग कहते हैं। लेकिन जेल विभाग वालों ने उस कीड़े को, उस कैंसर को मिटाने के लिए उसको हाथों का हुनर दिया है, उसमें हर चीज सिखाई जाती है आपकी।